नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले राघव चड्ढा जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा संपत्ति के मालिक है और आज इस खास रिपोर्ट के जरिए उन्हीं की संपत्ति पर एक बड़ा खुलासा करेंगे। केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा की संपत्ति पर इस बड़े खुलासे को देखिए जरा हमारे इस खास रिपोर्ट के नज़रिए से। राघव आपके वो नेता है जो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं, वो काफी युवा हैं और 32 साल के हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राघव चड्ढा दक्षिण दिल्ली से लड़े थे। चुनाव में उन्होंने जो हल्फनामा दिया था उसके मुताबिक वो लखपति हैं। आपको बता दें कि वो आम आदमी पार्टी का जाना पहचाना नाम है और राज्यसभा जा रही हैं, तो बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ हम आपको उनकी संपत्ति के बारे में चलिए बता देते हैं। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने बताया था कि उनके पास 1,06,50,000 रुपए की चल संपत्ति है और 2,20,000 रुपए की आय है। अचल संपत्ति का उन्होंने खुलासा नहीं किया और देन दरियार में भी नहीं बताए। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनली ग्रेजुएट भी है। अब यहाँ पर उन्होंने अचल संपत्ति पर अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन चल संपत्ति के खुलासे से ये तो बिल्कुल साबित है कि उनके पास जो संपत्ति इस वक्त मौजूद है उससे वो लखपति ज़रूर है। यहाँ पर होना भी चाहिए और इस खुलासे के बाद से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या फिर आप किसी और नए चेहरे के बारे में उनकी संपत्ति से जुड़ा कोई भी राज जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। देखा आपने, राघव चड्ढा की संपत्ति पर खुलासा होते ही आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो मचना शुरू हो ही चुका होगा, क्योंकि राघव चड्ढा इस वक्त एक ऐसे अहम चेहरे के रूप में हैं जो गुजरात इलेक्शन में बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप अपने तर्क हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।